U3 के लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का स्तंभ नंबर 3। उसमें दिखाया गया है कि इस तरीके से दो लड़कियां हैं, एक रश्मि एक निहारिका। तो वो यहाँ से ए से डी तक 100 गमले रखे हुए हैं और यहाँ पे निहारिका दूसरी पंक्ति में इसके 1/4 तक दौड़ती है और प्रीत आठवीं पंक्ति में इसके 1/5 तक दौड़ती है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला जो उसने क्वेश्चन किया है वो ये है कि दोनों के बीच के झंडे की दूरी निकालो, तो वो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। दूसरा कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना है तो वह अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम इसे निर्देशांक देखेंगे। पहले निहारिका, यहाँ ए से ये डी 100 गमले रखे हुए हैं, इस तरीके से 100 गमले हैं। ठीक है, निहारिका यहां से दूसरी पंक्ति में है निहारिका। ठीक है, इसके 1/4 तक दौड़ती है, 1/4 तक, ये यहां तक 100 गमले रखे हुए हैं, 1/4 तक दौड़ती है। तो एक्स की वैल्यू तो हमारी हो गई 2। ठीक है, तो निहारिका से यहां से स्टार्ट करेंगे हम कि निहारिका के निर्देशांक क्या है, कि एक्स की वैल्यू हो गई 2। अब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल कितने 100 गमले हैं और 100 के 1/4 कर देंगे तो हम कितना आ गया 25। तो यहाँ पे आ गया 25। ये आ गई निहारिका के निर्देशांक। यदि निहारिका यही कहीं पे है तो वहां होगी वो 2 और 25, इसकी पोजिशन ये होगी। ठीक है, फिर यहां से थोड़ी सी आगे चल जाओ, यहाँ पे 8 नंबर पे है प्रीत, यहाँ पे है प्रीत 8वीं पोजीशन पे। तो x की वैल्यू यहाँ लगभग इससे थोड़ा सा कम 1/5 पे जा रही है, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू तो हो गई 8 और y की निकालेंगे हम तो प्रीत होगी 100 के 1/5 पर। ठीक है, तो यहाँ हो गई 20 पे, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। पहला जो सवाल है वो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, तो यहाँ पे देखो कि निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, प्रीत के क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था हमने, x2 - x1 का होल स्क्वायर जमा y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। x2 है हमारा 8 माइनस x1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर जमा 20 - 25 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो 8 में से 2 गए, 6 का स्क्वायर जमा यहां से गए तो माइनस के 5 हो गए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये हो गए हमारे 6 5 11 1 3 2 5 6 √61 मात्रक। ठीक है ना, या मीटर कुछ भी जो भी इसकी मात्रक होगी, तो ये इसके बीच की दूरी हो गई √61। अब इसने अगला किया कि रश्मि है कोई लड़की, रश्मि, ठीक है, वो इनके एग्जैक्ट बीच में जाके झंडा गाड़ती है। ठीक है, बीच में जाके झंडा गाड़ती है, तो मैंने ये बताया था कि जहां अनुपात बीच है तो अनुपात एक होगा, तो वहां पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 + x1/2। x2 है हमारा 8 और y2 है हमारा 2/2, तो 8 और 2 = 10/2 यानी 5। रश्मि 5वीं पंक्ति में चलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे, y होता है y2 + y1/2, y2 है 20 + 25/2, तो 20 और 25 जमा करेंगे तो 45/2, तो ये हो गए 22.5, तो ये 22.5 पर जाकर झंडा गाड़ेगी।